करौली जिले के नांदौती तहसील के ग्राम पंचायत सोप में कुछ असामाजिक तत्वों ने गोपाल जी मंदिर के पुजारी से अभद्रता की। वे मंदिर की मूर्तियों को उठाकर ले जाने लगे। पुजारी द्वारा विरोध करने पर पुजारी के साथ मारपीट की, जिससे उनके शरीर पर चोट के निशान आ गए। पुजारी प्रभुदयाल शर्मा ने नांदौती थाने में दोषियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए देखते हैं पीड़ित पुजारी का क्या कहना है। और भगवान की मूर्ति के साथ छेड़खानी देखिए आप, भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है, ये पूजा की सामग्रियों को पड़ी हुई है और पुजारी के साथ मारपीट की है, ये देखिए आप। भगवान आए दिन पुजारियों को परेशान किया जा रहा है। ये भगवान की मूर्ति राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें मूर्ति को मंदिर है, तो मंदिर का अभी द्वार बंद है इसके, जहाँ पर आज ये वारदात हुई, पुजारी के साथ मारपीट हुई और इतने लोग, बहुत सारे लोग भीड़ जमा थी, लेकिन किसी ने उनको बचाया तक नहीं। वृद्ध आदमी के साथ मारपीट करी, जब महिलाएं बचाने आई तो उनके साथ भी अभद्रता की। कौन आया, कैसे, क्या हुई? मंदिर में ठाकुर जी का है फेंकू, मेरे क्या फेंके नहीं, मैं यहाँ में किसे बाहर निकाले को कचु उठाए। जब हम पूरी साइड का बाहर दीवार ने दीदी को नहीं जा, फिर बाहर जा रहे जब सफाई कर रहे थे, जब हाँ जब फिर सिकाई देख रहे ज्यादा दूरी कर रहे और किसान यहाँ भेड़ो कर रहा आज और बेटा आ रहा मेरे बात उठाए थे निकालने से तो उन्होंने कान से मारने धमकी दी। धमकी दी नहीं भाई, धमकी क्या दी, तो बुरो काम कर दे तुम्हारे लिए झाड़ बैठ रहा झाड़ और फाका दी आपके, और उसने हमारी स्वलिंग आ रही है सारे कोई नहीं और कहाँ लगी